वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं हूँ रुजीना मसर आज हम बना रहे हैं एक क्विक सी झटपट सी रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रहीम ऑयल को हमने गर्म कर लिए उसके बाद एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज़ है जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसको अच्छे से ऑयल में भून लें इसका कलर आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना इसको बस वाइट वाइट सा रखना है और थोड़ा सॉफ़्ट कर लेना है साथ ही इसमें डाल देने आपने दो मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर इनको भी अच्छे से भून लें प्याज के साथ ही और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे लंबाई में कटा हुआ अदरक और लहसुन है ये है तकरीबन हाफ टी स्पू वन टी स्पून ये शामिल कर दें और इसको अच्छे से आप भून लें कोई भी चीज़ जिसे कहते हैं ना कि जब भी आपने बनानी हो तो उसकी जो मसाला है उसको अच्छे तरीके से भुना करें ठीक है क्योंकि यही हांडी की बेस होता है अब इसमें जाएंगी कुछ हरी मिर्चें दो से तीन अदद हैं कटी हुई लंबाई में हरी मिर्चें डाल दें और साथ ही एक बड़े साइज़ का आलू मैंने चॉप काटा है इसको डाल दें ठीक है छोटे छोटे पीसीस में काटा है टुकड़ों में तो आप देखिए इसकी कटिंग आप देख सकते हैं किस तरह की है तो इसको हम आलू की भुजिया भी कह सकते हैं इसको हम अकेले आलू भी कह सकते हैं तो ये बड़ी क्विक और झटपट सी रेसिपी है दस मिनट में तैयार होने वाली है साथ ही इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून जाएगी सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून हल्दी हाफ़ टी स्पून नमक बाक़ी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डाल सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले बस मैंने मिर्च नमक हल्दी और सफ़ेद जीरे का इस्तेमाल ही किया है ये देखें जी अभी इस टाइम पे जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा इसको बस आपने मीडियम फ्लेम पे भूनी जाना है ठीक है भुनाई करते रहने जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है ठीक है लेकिन आलू अभी हमारे कच्चे हैं इसमें अभी हम इस टाइम पे थोड़ा सा पानी डालेंगे और आलूओं को हिला के कर देंगे दम पे, दम वाली फ्लेम पे, ठीक है और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए तो इसमें इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन प्रेस किया करें वीडियोस को शेयर किया करें तो ये देखें जी हम मिले हैं तकरीबन तो चार मिनट के बाद मैं दोबारा आई हूँ ये देखें जी इसके जो आलू हैं ये कितने ज़बरदस्त से टेंडर हो गए हैं अच्छे से लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है इसीलिए इसे एक से दो मिनट और देंगे ये देखें जी ऑयल बिल्कुल जो है सेपरेट हो गया है तो आलू इस टाइम पे बिल्कुल तैयार हैं बाकी ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन अवेलेबल था घर में इसीलिए मैंने ना छो थोड़ा सा बिल्कुल चिकन जो है उसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट के वो भी इसमें डाल दिए जस्ट के टेस्ट के लिए वैसे ऑप्शनल है ये कोई इशू नहीं है आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें चिकन थोड़ा सा डाल लें अगर नहीं है तो इट्स ओके कोई मसला नहीं है मज़ीद रेसिपीज़ को अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस किया करें या आपकी तरफ से प्यार होता है फीडबैक लाजमी दिया करें तो चले जी चिकन इसमें डाल दिए अभी इस जस्ट दो मिनट के बाद दोबारा देखा तो चिकन जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया देखिए कितनी प्यारी लुक आई है ठीक है आप यकीन करें बस चलें मेरे कहने पे आप ना जाएं आप एक दफ़ा ख़ुद बना के ये रेसिपी ट्राई करें अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप कहिएगा ये बहुत मज़े की और क्विक रेसिपी बनी है ये कमाल की रेसिपी है ठीक है तो आप लाजमी ट्राई करें मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये देखें जी कितना मज़े का सालन बन गया हमारा आलू का तो ये देखें लुक कितनी खूबसूरत लुक का ही है मेरी रेसिपीज को ट्राई किया करें अच्छे से फॉलो किया करें नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़